बिलासपुर युवा कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी की मौजूदगी में घुमारमी के गांधी चौक पर चीन का पुतला जलाया गया। राजेश धर्माणी ने कहा कि चीन सीमा विवाद पर तनाव व युद्ध की स्थिति किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान गलवा घाटी में झड़प हुई। राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार करें और चीन से आयात और निर्यात दोनों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाएं। जब देश की सीमाओं पर संकट आया है तब तक हिमाचली जांबाज वीरों ने अपनी शहादत देकर प्रदेश के फौलादी हौसलों से देश को रूबरू करवाया है। भारत चीन सीमा पर शुरू हुए संघर्ष में भोरंज के 21 वर्षीय जांबाज योद्धा ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए देश के लिए शहादत देकर फिर हिमाचली वीरता को साबित किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भोरंज के इस वीर सपूत की शहादत का महत्व केंद्र सरकार समझे, क्योंकि जब जब देश पर संकट आया है तब तब हिमाचली सुरमा उन्हें देश की सीमाओं पर अपने प्राणों को निछावर कर देश की सीमाओं को महफूज रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार को अपने वायदे पर कायम रखते हुए सख्त रुख अपनाने की जरूरत है और दोनों देशों में सैनिक स्तर पर अचानक हुई ये हिंसक झड़प कहीं न कहीं आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस प्रकरण पर पूरी तरह से सही जानकारी के अभाव में देश की जनता असमंजस में दिखाई पड़ रही है। अधिकतर लोगों का कहना है कि इस घटना का उन्हें उचित विवरण मिलना चाहिए, क्योंकि वे देश व सेना के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। भारत माता की धरती पर चीन ने जिस तरह से अतिक्रमण किया और हमारे 20 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए, उससे पूरा देश जो है आक्रोशित है और चीन के इस कदम पर सब विरोध कर रहे हैं और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है भारतीय सेना के साथ एकजुट है। और जो ये मंसूबे चीन के पाल रखे चीन ने, हम इसका पुरजोर जो है विरोध करते हैं और मरते दम तक हर हिंदुस्तानी जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए जो है वो तैयार है और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है भारत सरकार कदम उठाए और चीन को जो पहले की जहां तक इनकी सीमा थी उस वहां तक जो है उसको खदेड़े। ये हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से भी मांग करते हैं और हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी हम सब नौजवान युवा साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश के शहीद अंकुश ठाकुर, वो भी हमेशा अमर रहें, उनके परिवार को जो है इस दुख को सहने की शक्ति मिले। तो हम सब लोग, पूरा हिंदुस्तान एक है, एकजुट है इन शहीद परिवारों के साथ, हिंदुस्तान की सेना के साथ और हिंदुस्तान की मातृभूमि की रक्षा के लिए सब जो है एकजुट है।